हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बूस्टर्स और टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स के ऊपर बात करेंगे। तो मेनली आज हम एएन फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव्स के ऊपर बात करेंगे और साथ ही हम बूस्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो मेजोरिटी हाई एक्सप्लोसिव होते हैं दोस्तों, उन्हें ब्लास्ट करने के लिए हमें डिटोनेटर का यूज़ करना पड़ता है दोस्तों, और उन्हें हम कैप सेंसिटिव बोलते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द हाई एक्सप्लोसिव्स होते हैं उन्हें ब्लास्ट करने के लिए हम डिटोनेटर्स का यूज में लेते हैं दोस्तों, डिटोनेटर्स का हेल्प लेते हैं और उन्हें हम कैप सेंसिटिव बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों वैसे एक्सप्लोसिव जो कैप सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें ब्लास्ट करने के लिए हम उन्हें बूस्टर के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रखते हैं। ठीक है, जिन्हें खुद की में दोस्तों इनिशिएट करने के लिए डिटोनेटर की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को हम बूस्टर सेंसिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बूस्टर सेंसिटिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो दोस्तों, वैसे एक्सप्लोसिव दोस्तों जो अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ किए जाएंगे, वो कैप सेंसिटिव उन्हें होना जरूरी है दोस्तों। लेकिन वैसे एक्सप्लोसिव जो कि क्वेरीज में यूज़ किए जाएंगे, उन्हें कैप सेंसिटिव भी हो सकते हैं दोस्तों, या वो बूस्टर सेंसिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड माइंस के केस में जो एक्सप्लोसिव यूज़ किए जाएंगे, उन्हें कैप सेंसिटिव होना पड़ेगा दोस्तों। और वैसे एक्सप्लोसिव जो कि क्वेरीज के केस में यूज़ किए जाएंगे, उन्हें वो कैप सेंसिटिव भी हो सकते हैं और नॉन कैप सेंसिटिव भी हो सकते हैं, यानी बूस्टर सेंसिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों, जो नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव होते हैं, जो कि वाटरी प्लेसेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें गैलेटिनियस और सेमी गैलेटिनियस कंसिस्टेंसी का होना पड़ता है दोस्तों, पाउडरी फॉर्म का नहीं होना पड़ता। ठीक है, और उनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है दोस्तों, उन्हें एक से ज़्यादा होना पड़ता है ताकि वो वाटर में सिंक कर पाए। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना दोस्तों कि नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड जो एक्सप्लोसिव होते हैं, उन्हें गैलेटिनियस और सेमी गैलेटिनियस कंसिस्टेंसी का होना पड़ता है, पाउडरी फॉर्म का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों, कुछ एक्सप्लोसिव के अच्छे से डिटोनेशन के लिए, इफेक्टिव डिटोनेशन के लिए दोस्तों, हम जैसे स्लरी एक्सप्लोसिव और ANFO मिक्सचर जैसे GN1, इनके इफेक्टिव डिटोनेशन के लिए दोस्तों हम हाई डिटोनेशन वेलोसिटी बूस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइमेक्स दोस्तों एक एग्जांपल बूस्टर का, जो कि ICI इंडिया लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये PETN और TNT का मिक्सचर होता है, और ये वाटर रेजिस्टेंट होता है दोस्तों। और इसके वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन की बात करें तो वो 8000 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसके वेट स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 82 होता है दोस्तों, और ये डिटोनेटिंग फ्यूज या डिटोनेटर के द्वारा डिटोनेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था बूस्टर्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों एन फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव्स के ऊपर। तो दोस्तों, एन फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव दोस्तों, ये क्या होता है कि जब अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों डीजल ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है, तो ये लार्ज स्केल में ब्लास्टिंग के लिए यूज़ में लाया जाता है दोस्तों, क्वेरीज, कोल और मेटल माइंस के केस में। ठीक है, तो एन फ्यूल एक्सप्लोसिव क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट को हम डीजल ऑयल के साथ मिक्स करते हैं और इन्हें हम ब्लास्टिंग के लिए यूज़ में लाते हैं, जो कोल के क्वेरीज होते हैं और मेटल माइन के क्वेरीज होते हैं उनमें। ठीक है, और दोस्तों, जो सबसे इफेक्टिव मिक्सचर होता है दोस्तों, वो तब होता है जब हम 5-6% डीजल ऑयल यूज़ में लेते हैं बाय वेट। ठीक है, अगर इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो 0.8 से 1 के बीच में होता है दोस्तों। वेट स्ट्रेंथ की बात करें तो 75-80 के बीच में होता है। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन की बात करें तो 3500 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। और दोस्तों, अगर देखें ड्राई सीजन में दोस्तों, हमें 7 लीटर डीजल का यूज़ करना पड़ता है 100 kg अमोनियम नाइट्रेट के लिए। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी दोस्तों, ड्राई सीजन में 7 लीटर डीजल का हम यूज़ करते हैं, और वहीं वेट सीजन में दोस्तों हम 9 लीटर डीजल का यूज़ करते हैं 100 kg अमोनियम नाइट्रेट के लिए। और दोस्तों, डीजल ऑयल अगर एक्सेस में हो गया, 8% से ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो वो सेंसिटिविटी ANFO का डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है दोस्तों, और जो मिक्सचर होता है दोस्तों, ये इरिटेशन कॉज करता है स्किन में। ठीक है, इसी के लिए जो वर्कर्स होते हैं दोस्तों, उन्हें गम बूट्स और रबर हैंड ग्लव्स को पहनना पड़ता है इन्हें यूज़ में लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये स्किन में इरिटेशन कॉज करते हैं। और दोस्तों, इन्हें मिक्स करने के लिए, इनके मिक्सिंग के लिए दोस्तों, हम वुडन सोवल का यूज़ करते हैं, हम आयरन को अवॉइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, वुडन सोवल का हम यूज़ करते हैं। और जो मिक्सचर होता है दोस्तों, वो सेफ टू हैंडल होता है। ठीक है, हमें कैटरीज की जरूरत नहीं पड़ती है इन्हें ब्लास्ट होल में ले जाने के लिए, हम मैकेनिकली इन्हें ब्लास्ट होल में लोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों,
जो होल्स 62 mm डायमीटर के होते हैं या उससे बड़े, ठीक है, वो दोस्तों इकोनॉमिकल कंसिडर किए जाते हैं ANFO एक्सप्लोसिव्स के लिए, ठीक है। तो जो 62 mm डायमीटर के होल्स होते हैं उनमें हम ANFO फ्यूल और ANFO एक्सप्लोसिव का यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। और अगर हम 300 मीटर से ज़्यादा साइज के ब्लास्ट डायमीटर के ब्लास्ट होल में अगर हम यूज़ करें तो दोस्तों जो सेंसिटिविटी होता है ANFO का वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसीलिए हम 62 mm डायमीटर वाले होल में ही हम ANFO फ्यूल ऑयल का एक्सप्लोसिव का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर 4% से ज़्यादा वाटर ANFO में पाएंगे दोस्तों तो जो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन होता है वो डिक्रीज कर जाता है, बहुत तेज़ी से घट जाता है। यही अगर 9% से ज़्यादा हो गया वाटर कंटेंट, ठीक है, तो ये डिटोनेट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे ANFO के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।